तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दो बंदे, एक बंदे का वीज़ा लग गया, एक बंदे का रिजेक्ट हो गया। दे वर सीकिंग माई एडवाइसेज, लेकिन अपना दिमाग लगाना था तो उन्होंने ठगा लिया, जिस वजह से एक भाई का जो है वीज़ा रिजेक्ट हो गया और एक भाई का वीज़ा लग गया। तो सबसे पहले जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ या जिनका अप्रूव हुआ, किसके बारे में बताऊँ? सबसे पहले जिसका लग गया उसका बता देता हूँ। तो भाई, एक भाई ने अप्लाई किया, ही डेंट अप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान, ही अप्लाइड फ्रॉम UAE। ही वॉज इन टच विद मी, वो UAE से मेरे साथ इन टच थे भाई साहब, और उन्होंने अप्लाई किया था थ्रू चेक रिपब्लिक, ठीक है। मुझसे तकरीबन 3 महीने पहले 4 महीने पहले एक बंदे ने पूछा था कि भाई कहाँ से अप्लाई करें, तो आई डिड सम रिसर्च। तो वो भाई भी दुबई में ही थे, तो मैंने उनको बताया चेक रिपब्लिक से आप अप्लाई कर लें। तो उन्होंने चेक रिपब्लिक से अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा लग गया। सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे पूछते जा रहे थे, ठीक है, मुझे बता रहे थे कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, इतने अरसे से जॉब कर रहा हूँ, मेरा वीज़ा यहाँ तक वैलिड है, 2025 तक उनका वीज़ा वैलिड था, कि हैज़ बिन वर्किंग फॉर द कंपनी फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल तक एक कंपनी से काम कर रहे थे, ही हैड अ वाइफ, ही हैड अ चाइल्ड, ठीक है, उनका बच्चे भी थे, उनकी वाइफ भी थी, उनके वाइफ जैसे स्कूल, उनकी वाइफ जो थी वो हाउस वाइफ थी, और उनके बच्चे जिन्हें स्कूल जिन स्कूल्स में जा रहे थे, 2 बच्चे थे, डिफरेंट स्कूल्स में जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ के फ़ी वाउचर्स भी लगाए साथ। मैंने उनको बताया भाई फ़ी वाउचर भी लगा रहे, आपने अगर फॉर एग्जाम्पल जून तक की फ़ी पे की है तो आप जून तक का फ़ी वाउचर्स लगा लें। तो ही अप्लाइड लाइक 1 मंथ बैक, ही गेव मी अ कॉल येस्टरडे, दैट वाज संडे, यस, ही कॉल्ड मी अप, ही सेड के वी गॉट द वीज़ा, थैंक यू वेरी मच। सो आई सेड देम यू वेलकम। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए थे? बींग यू ई रेजिडेंट बट ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, तो उन्होंने अपना नाइकॉप लगाया, अपने CNICs लगाए, ट्रैवल बुकिंग लगाई, अपने होटल्स लगाए, सारी चीज़ें लगाई, और अपने बच्चों के उन्होंने वो भी अप्लाई किया था, बच्चों के स्कूल से NOC अप्लाई किया था कि वहाँ समर वेकेशंस होंगे, मुझे जाना है, मैंने ये फ़ी वाउचर्स लिखा है कि मैंने यहाँ तक की फ़ी पे की हुई है, ठीक है, कहाँ रहते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दिखाए, ठीक है। उनके ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ प्रॉपर्टी बैक देयर इन पाकिस्तान, तो वो उन्होंने, मैंने उनको बोला यार लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट गोइंग फॉर लाइक 10-15 डेज। तो उन्होंने चेक रिपब्लिक से अप्लाई किया था, उनको तकरीबन 14 दिन का वीज़ा मिला। नाउ हिज प्लान इज़ टू गो फ्रॉम, उन्होंने पूरी आइटनरी बनाई थी कि ही विल कम फ्रॉम UAE से वो फ्लाई करेंगे, वो प्राग जाएंगे, प्राग से स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड से लिस्बन जाएंगे, लिस्बन से स्वीडन में अपनी फैमिली से मिलेंगे, एंड फ्रॉम स्वीडन ही इज़ गोना गो बैक, ठीक है, टर्की जाएंगे और टर्की से दुबई जाएंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी ट्रैवल प्लान्स ऑथेंटिकेटेड थे, सारी चीज़ें ऑथेंटिक थी, कोई इसमें कंपनी मारी हुई थी उन्होंने, कोई ऊपर नीचे क्लीन नहीं किया हुआ था, जो जो सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही थी उन्होंने वो अकाउंट उसी के अंदर सेविंग्स करते थे, उसी के अंदर सैलरी क्रेडिट होती थी, सैलरी वाउचर्स लगाए हुए थे, सैलरी थे कहीं पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लगाई, उनको वीज़ा लग, उनका मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बैंक स्टेटमेंट कितनी थी मैं ये भी बता देता हूँ, उनकी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 30,000 दरहम की थी, ठीक है। अब 30,000 दरहम को आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है, कितने हुए, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। खैर, एनीवेज, जिस भाई का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली ही अप्लाइड फ्रॉम स्पैनिश एम्बेसी, ठीक है। आजकल पाकिस्तान के अंदर शेंजन के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे, ये भी एक गेम है। इसके अंदर गेम क्या है कि अपॉइंटमेंट जब खोलती है कोई एम्बेसी, तो एजेंट्स, हमारे जो एजेंट माफिया बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर, दे वो सारे ले लेते हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेते हैं और अपने पास रखते हैं, फिर वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले बेचना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे पास अपॉइंटमेंट है अवेलेबल। बंदा जितना डेस्परेट होता है, वो 50,000 रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपये तक, अभी तक मुझे केसेस सुनने में आए कि एक बंदे ने 50,000 रुपये पे किए हैं, एक बंदे को बहुत ही अर्जेंसी उसने 3.5 लाख रुपये पे किए हैं टू गेट द वीज़ा अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये भी एक पाकिस्तान के अंदर गेम चल रहा है। कुछ एम्बेसीज पाकिस्तान के अंदर बंद भी हुई हैं, स्वीडिश एम्बेसी, दे आर नॉट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एनी मोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, को वो काम नहीं कर रहे, बट लेटर ऑन मे बी वो खुल जाएगी, लेकिन अभी स्वीडिश एम्बेसी भी बंद है पाकिस्तान। पोर्चुगल एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, इटालियन एम्बेसी इज़ ओवरक्राउडेड वहाँ पे, तो एक अलग साइंस चल रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, मिल रही हैं, लेकिन कॉन्सुलेट, कराची कॉन्सुलेट तो बंद है 9 मई से, ठीक है। तो आजकल ये वाला सीन चल रहा है। जिन भाई का वीज़ा रिजेक्ट हुआ उसके बारे में बताया, तो ये है कि उन भाई ने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम किया था वो ये किया था कि उन्होंने डमी टिकट्स लगाए थे, ठीक है। वो जहाँ जहाँ उन्होंने ट्रैवल प्लान पूरा बताया था कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, लेकिन वो सारी डमी टिकट्स हैं।
ठीक है, उन्होंने किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू वो टिकट्स परचेज किए थे एंड दे वर डमी टिकट्स। तो इसकी वजह से उनका जो डमी टिकट्स की बेस पे उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो आजकल आपने वो जो पुराना टाइम होता था कि डमी टिकट्स लगा दो वीज़ा लग गया ठीक है, लेकिन डमी टिकट्स के अंदर भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, डमी कंडीशन, आप अगर टिकट्स ले रहे हैं परचेज करें तो उसके अंदर एक कंडीशन होती है कि अगर आप बेस्ड ऑन योर वीज़ा, अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो गया तो ठीक है यू विल ट्रैवल, अदरवाइज वो लाइक 10 या 20% आपसे वो चार्ज करते हैं और वो बाकी का अमाउंट जो है आपको रीइंबर्स कर देते हैं। लेकिन वो ऑथेंटिक टिकट्स होते हैं क्योंकि आजकल जो एम्बेसीज हैं वो आपकी जो एयरलाइंस हैं उससे वो ऑथेंटिकेट करती हैं भाई ऑथेंटिक है कि नहीं है इनके जो जहाज़ के जो आप लोगों ने टिकट परचेज़ किए हैं। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अगर आप होटल बुकिंग कर रहे हैं ठीक है, अक्सर लोग डमी ले लेते हैं ठीक है, फेक होता है, कोई फोटोशॉप भी कर लेता है, नहीं करना प्लीज़, नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो एक एक चीज़ आजकल वेरीफाई कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। यूएई से शायद थोड़ी सी बचत हो जाए, यूएई से केसेस निकल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आजकल ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एक एक चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं। और मैं इस बारे में तो नहीं बता सकता कौन वेरीफाई करता है, किसके थ्रू करता है ठीक है। मुझे ये भी पता है कि कौन वेरीफाई करके देता है एम्बेसीज को, ठीक है मुझे ये भी पता, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैम। तो आज जो आप फॉर एग्जाम्पल आपने होटल बुकिंग की हुई है ठीक है, तो मेक श्योर जो आपने होटल बुकिंग की हुई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, और आप उसके अंदर अगर आप booking.com से अगर आप बुकिंग करते हैं ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने वो होटल्स बुक करने हैं जो 48 घंटे पहले या 24 घंटे पहले आप फ्री कैंसिलेशन कर सकें, लेकिन उसकी कोई पेमेंट नहीं होती, यू आर नॉट सपोज टू पे। उसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है, या तो आप उसी वक्त पे कर दें, अगर आप उस वक्त नहीं पे करना चाह रहे यू कैन ऑलवेज पे एट द काउंटर, जब आप होटल पहुँचते तो आप काउंटर पर पे कर सकते हैं अगर वो होटल आपको अच्छा लगता है। अदरवाइज अगर खुदा न खासा वीज़ा नहीं लगता तो आपको यू इन दैट केस आपको वो पे नहीं करना पड़ता। तो सबसे बेस्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने होटल बुकिंग की है तो 24 से 48 घंटे पहले अगर आपने महंगे होटल बुक कर लिए हैं, चेंज ऑफ प्लान हो गया है या आगे पीछे किसी और मुल्कों में भी जाना है, तो बेहतर यही है कि आप जो है वो होटल्स लें जो जो आप सोच समझ के लें। मतलब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल इटली आना है, रोम आना है, तो आप रोम के होटल्स उसी डेट में लें ठीक है, ताकि वो कैंसिलेशन का लपड़ ही ना पड़े। अगर वो पड़ रहा है, अगर वो चेंज ऑफ प्लान होता है, अगर कर सकता है, अगर आपको लगता है कि आपने चेंज ऑफ प्लान करना, तो बेहतर ये कि 24 घंटे 48 घंटे पहले जो है वो फ्री कैंसिलेशन भी आप उन होटल्स की कर सकते हैं, लेकिन मेकिंग श्योर कि भाई आपने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू उनको वो दिया हुआ है वहाँ पर ठीक है, तो 48 घंटे पहले आप वहाँ से वो कैंसिल भी कर सकते हैं, आपको बाद में चार्ज नहीं करेंगे वो ठीक है। हम लोग अक्सर पाकिस्तानी सोचना यार ऐसा नहीं है, मैंने कार्ड दे दिया बाद में चार्ज कर लिया, तो ऐसा नहीं होता ठीक है। तो ये दो केसेस आए थे, दीज पीपल वर इन टच विद मी थ्रू माई इनबॉक्स, रबते में थे, उनको मैंने मैक्सिमम फैसिलिटेशन की। इन्होंने मुझसे ये डमी टिकट्स वगैरह का बिल्कुल भी नहीं पूछा था, अदरवाइज मैं इनको कभी भी गाइड नहीं करता कि आप डमी टिकट्स लगा लो। तो अभी तक जो मेरा जो रेशियो है वो 50-50 चल रहा है, एक रिजेक्ट हो गया, एक अप्रूव हो गया। मैं चाहता तो ये रिजेक्शन वाला पॉइंट स्किप करके अपने चैनल को नहीं हो ज़रा VIP दिखाता, लेकिन नहीं, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ नहीं करनी ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने डमी टिकट्स नहीं करने, आपने ऑथेंटिक टिकट ही परचेज करने हैं ठीक है, ना ही फोटोशॉप पे गेम खेलनी है, कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज गेटिंग वेरीफाइड दीज डेज ठीक है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टच विद मी, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट भाई, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं आपका वीज़ा नहीं लगवा सकता, आई कैन असिस्ट यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ भाई वीज़ा, बट आई एम नॉट गोइंग टू, मैं आपके बिहाफ पे नहीं आपको वीज़ा वीज़ा यहाँ से भेज सकता हूँ ठीक है। मैं आपको नहीं भेज सकता वीज़ा, मेरे अंदर इतनी औकात नहीं है भाई अभी ठीक है, मैं आपको वीज़ा नहीं भेज सकता, नहीं मैं आपको वीज़ा भेज सकता हूँ, हाँ गाइड कर सकता हूँ, गाइडेंस लो आप जितना ले सकते हो लो, कोई चार्ज नहीं करूँगा, फ्री में दूंगा ठीक है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू फॉर द शेंजन वीज़ा, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे आना चाह रहे हैं उनका प्रोसेस ऑलरेडी मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, बैंक स्टेटमेंट की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। सो इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी क्यूरीज रनिंग इन योर माइंड, डू राइट मी इन माई इनबॉक्स, कॉमेंट बिलो, नीचे कॉमेंट करो, लाजमी करो, मेरी वीडियो ट्रेंड पर आती है, थोड़ा सा ऊपर उठती है ठीक है। और कॉमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें ठीक है विद योर फ्रेंड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा।